आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जो कि चैप्टर 9th है इसका। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है, आप देख सकते हैं ये दो चीज़ों से बना है, एल्जेब्रिक और एक्सप्रेशन से। एल्जेब्रिक जो आप इंग्लिश में लेटर्स पढ़ते आए हैं, ए बी सी डी अप टू जेड, जिनको होल में अल्फ़ाबेट कहते हैं, वही होता है ये एल्जेब्रिक। इनको मिला के जब हम कोई एक्सप्रेशन बनाते हैं, वो होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अब आपको समझ आया कि होता क्या है। अब इसमें कुछ बेसिक टर्म्स है जिनका पता होना ज़रूरी है। कॉन्स्टेंट जो है ये होता है फिक्स्ड। अब 5 लो, 2 लो, 3 लो, 9 लो, कॉन्स्टेंट में नंबर्स आते हैं। क्या आते हैं? सबसे पहले पता होना चाहिए कॉन्स्टेंट में नंबर्स आते हैं। जो आप 1 2 पढ़ते आए हैं वही होते हैं कॉन्स्टेंट, और ये फिक्स होते हैं। मान लीजिए कहीं पे 9, हमारा कॉन्स्टेंट 9 आया, और 9 का मतलब आपको पता है 9 ही होता है, इससे ज़्यादा ना कम। तो ये जो है फिक्स है, इसीलिए कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? फिक्सड होते हैं। फिर आती है बात वेरिएबल्स की। आप जो इंग्लिश में पढ़ते आ रहे हैं ए बी सी डी अपॉन टू जेड, ये लेटर जो है ये होते हैं वेरिएबल्स। ये क्या होते हैं? बदलने वाले। वेरिएबल होता है बदलने वाला, जो बदलता है। ये कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? बदलने वाला। कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स में क्या फर्क है? आप कॉन्स्टेंट जो है फिक्स रहते हैं, लेकिन वेरिएबल जो है ये बदलने वाला होता है। कोफिशियंट, अभी आप वेरिएबल्स की बात कर रहे थे, यहां पर अगर मैं लिख रहा हूं 4x+5, आप देख सकते हैं ये 5 कॉन्स्टेंट है, ये 4 भी कॉन्स्टेंट है, लेकिन जब ये लेटर, ये नंबर जो है किसी लेटर के साथ आएगा, वेरिएबल के साथ आएगा, तब आप इसको कोफिशेंट कहते हैं। तब हम इसको क्या नाम देते हैं? कोफिशेंट नाम देते हैं। तो अब जाहिर सी बात है आपको समझ आ गया होगा कि कोफिशेंट क्या है। ये नहीं कह सकते आप कि ये 5 भी कोफिशेंट है, नहीं, क्योंकि ये जो है ये कॉन्स्टेंट है, इसके साथ वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल एक्स है इस एक्सप्रेशन में, और एक्स के साथ 4 है, 4 खुद में एक कॉन्स्टेंट है, और इसी को हम कहते हैं कोफिशिएंट। फिर बात आती है डिग्री की। डिग्री सिंपल में क्या होता है? डिग्री होता है हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट ऑर्डर। किसी भी एक्सप्रेशन का हाईएस्ट पावर होता है या हाईएस्ट ऑर्डर होता है, उसको हम डिग्री कहते हैं। पावर जो है, पावर को हम स्ट्रेंथ भी कहते हैं। स्ट्रेंथ बतलाता है ये हमें किसी भी नंबर का। अभी हम अगर लिखते हैं एक्स स्क्वायर का मतलब होता है ये 2 बार मल्टीप्लाई होना है, और ये इसकी स्ट्रेंथ है। यहाँ पर्टिकुलर डेफिनेशन अगर आपको लिखनी है तो पावर की डेफिनेशन आप यूं लिख सकते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर थिंग इज टू बी मल्टीप्लाइड। क्या? नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर थिंग इज टू बी मल्टीप्लाइड। कितनी बार आप किसी पर्टिकुलर थिंग को मल्टीप्लाई कर रहे हो? जैसे यहां पर एक्स को मैंने 2 बार मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये स्क्वायर था, तो यही उसका पावर हुआ। इसके बाद आती है बात टर्म्स की। अगर आप देख सकते हैं मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 4x+5, ये 4x जो है ये प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स है। क्या है? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। और जब प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कहीं भी आपको दिखे, वो हमें क्या देता है? वो देता है हमें टर्म। ये 5 जो है ये भी खुद में एक टर्म है, लेकिन यहाँ पर दूसरा फैक्टर जो है एक्स, वो 1 है, और 5 1s are 5 मिलता है। तो ये जो है ये हमारी एक्सप्रेशन है, बनती है 2 टर्म से बनी हुई है। एक तो 4x इसमें एक टर्म है, और +5 जो है ये दूसरी टर्म है। तो टर्म क्या होता है? आप टर्म होता है सिंपल में प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। इसके बाद बात आती है एक्सप्रेशन की। एक्सप्रेशन जो है ये बनता है वेरिएबल्स और एंड कॉन्स्टेंट्स से। किन से बनता है एक्सप्रेशन? वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स से। अभी अगर फोर, यहाँ हम यूं भी कह सकते हैं टर्म्स आर एडेड टू गेट एक्सप्रेशंस, और टर्म्स को हम जब ऐड करते हैं हम टू फॉर्म एक्सप्रेशंस। टर्म जब ऐड होती है तो हमें मिलता है एक्सप्रेशंस। जैसे 4x एक टर्म है, प्लस में 9 लिखूं ये दूसरी टर्म है, इन 2 टर्म्स को जब मैंने ऐड किया मुझे मिला एक्सप्रेशन। ये पूरा क्या है? एक्सप्रेशन है। अब जो ये एक्सप्रेशन है इसकी टाइप्स है, एक्सप्रेशन की टाइप्स है। पावर के लिहाज से इसकी कुछ टाइप्स है, और इसकी टर्म के लिहाज से कुछ टाइप्स है। पावर के लिहाज से अगर आपकी डिग्री जो है 1 हो किसी भी एक्सप्रेशन की, जैसे 4x+1 लिखा मैंने या 2 लिखूं, यहाँ पर डिग्री क्या है, पावर क्या है? 1 है, तो इसको हम लीनियर कहते हैं। लीनियर क्या होता है? जहाँ पर डिग्री 1 होता है। और अगर डिग्री 2 हो तो वो होता है क्वाड्रेटिक। क्या होता है? क्वाड्रेटिक। जैसे 4x² + 3 लिखा मैंने, यहाँ पर डिग्री 2 है, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक। इसी तरह तीसरी टाइप जो है वो होती है क्यूबिक, जहाँ पर हमारी डिग्री यानी पावर क्या हो? क्यूब हो। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर क्यूब है डिग्री, तो ये हो गई क्यूबिक इक्वेशन एक्सप्रेशन। सॉरी,
इसके बाद आता है टर्म। टर्म क्या होता है? टर्म जो है, टर्म मैंने आपको अभी भी एक्सप्लेन किया, टर्म होता क्या है, ये बनता है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स से। और टर्म अगर आपको, अगर मैं लिखूं 4x100 ओवर 5xyz, ये मैंने लिखी कुछ टर्म्स, ये तीनों आप देख सकते हैं, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, लेकिन एक ही टर्म है ना, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक ही टर्म है। इस तरह के टर्म्स को हम कहते हैं मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है? जो एक टर्म से बनी हो, वो एक्सप्रेशन जो एक टर्म से बनती है उसे हम कहते हैं मोनोमियल। इसके बाद आता है बाइनोमियल। बाइनोमियल होता है वो एक्सप्रेशन जो दो टर्म से बनती बनी हो, जैसे 4x+9, ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, और ये क्या है? बाइनोमियल। इसके बाद ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होता है? जो तीन टर्म से एक्सप्रेशन बनती है उसको हम ट्राइनोमियल कहते हैं। जैसे x+y+z, ये तीन टर्म से बनी है, x भी टर्म है, y भी टर्म है, z भी टर्म है, तो ये हो गया ट्राइनोमियल। इसके बाद जो जनरल रूल इसका है, पॉलीनोमियल, जो जनरल फंक्शन इसके। पॉलीनोमियल क्या होता है? पॉलीनोमियल होता है जो किसी एक टर्म से बने या एक से ज्यादा टर्म से बनी हो, उसे हम कहते हैं पॉलीनोमियल। ये कुछ बेसिक सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम लाइक अनलाइक टर्म्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद आएंगे अपने एक्सरसाइज की ओर। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।